हेलो बच्चों, आज हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं क्लास सिक्स का साइंस का प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23। देखिए बच्चों, जो ये पेपर रहेगा आपका, ये 60 नंबर का रहेगा। इसमें जो समय दिया गया है वो 2.5 घंटे दे रखे हैं। बच्चों, जो ये पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। यहाँ से हिंदी मीडियम वाले बच्चे निर्देशों को पढ़ सकते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको देख सकते हैं। बच्चों देखिए, ये जो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, पहले प्रश्न के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जो आपका पहला प्रश्न रहेगा, यहाँ पर देखिए अंक दिखा रखे हैं। ये पहला पहले का पहला पार्ट है, ये एक नंबर का है। पहले का दूसरा पार्ट भी एक नंबर का है। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ये पेपर है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपका दिया गया है। यहाँ से जो जिसका मीडियम है वो उसी को कॉपी में नोट कर सकते हैं और उनके उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इनके उत्तर ढूंढने में परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, आपको जो इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए ये अभी पहला ही प्रश्न चल रहा है। ये पहले के जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ये सारे एक प्रश्न आपके एक एक नंबर के हैं। ये देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है खंड ब, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपका देखिए ये दूसरा प्रश्न दिया गया है, ये दो दो नंबर का है। तीसरा भी 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से देखिए आप कितने अंक का कौन सा प्रश्न है, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं एक एक करके। ये प्रश्न है जो अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ये देखिए 7वां प्रश्न 2 नंबर का है। 7वें प्रश्न में आपको ये अथवा में दिए गए हैं। इसका अथवा का मतलब होता है या तो ये ऊपर वाला करना है या ये नीचे वाला करना है। पेपर में इन दोनों में से एक ही करना है, पर यहाँ पर तो आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये दोनों ही करने हैं। पर जब पेपर में आए तो इन दोनों में से आपको एक ही करना होगा। अथवा का मतलब ये होता है। ये देखिए बच्चों, ये 8वां प्रश्न है। 8वां आपका 3 नंबर का दे रखा है। 9वां प्रश्न भी 3 नंबर का है। 10वां 3 का है। एक एक करके यहाँ से आप इनको नोट करते चलिए। इसका जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन चैनल पर डाल दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ से खंड से शुरू हो जाता है, सेक्शन सी है। यहाँ से सेक्शन सी में ये देखिए 12वां प्रश्न दिया गया है। 12वां प्रश्न 3 नंबर का है। 12वें का ए पार्ट है, बी पार्ट है। बी पार्ट में सही मिलान करने हैं आपको। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, ये मिलान करने हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी ये और में दिया गया है। और का मतलब या तो ये ऊपर वाला पार्ट करना है या ये नीचे वाला पार्ट करना है। पर यहाँ पर तो प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस करने हैं, समझ लेने अच्छी तरह। अब देखिए जो 13वां प्रश्न दिया गया है, 13वें प्रश्न में 3 पार्ट्स हैं। देखिए 13वें का पहला पार्ट, यहाँ से पहला पार्ट, यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो हर पार्ट आपका 2 नंबर का है। 3 पार्ट हैं, हर पार्ट 2 नंबर का रहेगा, तो ये 6 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, ये 6 नंबर का हो जाएगा। इसके नीचे देखिए ये है, ये 14वां प्रश्न आ गया। 14वां प्रश्न में भी आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। ये देखिए ए पहला, दूसरा, तीसरा, हर पार्ट आपका रहेगा 2 नंबर का। तो ये 14वां प्रश्न भी आपका 6 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न दे रखा है। 15वें प्रश्न में भी ऐसा ही है। 15वें प्रश्न में भी 3 पार्ट दिए गए हैं, इसमें 1, 2, 3। तो ये जो 3ों पार्ट हैं दो दो नंबर के रहेंगे, हर पार्ट आपका 2 नंबर का रहेगा। तो 15वां प्रश्न भी 6 नंबर का हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस प्रैक्टिस पेपर में आपसे 15 प्रश्न ही पूछे गए थे। जैसे ही आपको ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपको ये वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हो।